हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बॉलीवुड टेट बिच आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है जिनका नाम है ज़ुबैर के खान ये एक्टर आपने जाना पहचाना तो लगेगा ही क्योंकि ये हाल ही में कसम सीरियल में आए थे ज़ुबैर जी आप हमें ये बताइए कि व्हाट ब्रॉट यू टू मुंबई आप भोपाल से बिलोंग करते हैं एंड सडनली आप मुंबई आ गए हैं आपने लेकर हम दीवाना दिल फिल्म में डेब्यू किया हुआ है आपने सीरियल्स की हैं आप साउद इंडिया में भी आ चुके हैं सो वॉट ब्रॉड टू लाइक मुंबई क्यों आए आप एज इट इज़ कॉल्ड एज मुंबई इज़ city ऑफ ड्रीम्स सो वॉट आई बिलीव के यार अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में करना है तो इस शहर में तो आना पड़ेगा एग्जैक्टली सो आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी एज इन एज अ मॉडल ओनली एंड भोपाल से आईव स्टार्ट मॉडलिंग वाइल डूइंग माई इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं मॉडलिंग करता था एंड आई आई स्टिल रिमेंबर मॉम वॉज नॉट विथ मी विद द चॉइस ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू बी सो या सो एट जस्ट वॉज इट वॉज लाइक

होम ट्यूशन के साथ में मैं बच्चों को जाके डांस ट्रेनिंग देता था जिम ट्रेनिंग देता था सो टू और थ्री थिंग्स आई यूज टू डू साइमटेनियसली वाइल डूइंग माई स्टडीज एंड मॉडलिंग करता था तो मॉम एंड आई स्टिल रिमेंबर कॉलेज में आते थे एंड आई स्टार्टेड आई थिंक आई एम द ओनली वन जिसने शिफ्ट किया सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में अनदर कॉलेज विद द सेम यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ द कॉलेज गाइज यूज टू हैव अ प्रॉब्लम विद मी बिकॉज आई आज डूइंग मॉडलिंग एंड ऑल स्टाफ बट या एवरीथिंग फॉर रीजन मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे हमेशा से जो करना था उसके लिए बॉम्बे आना था तो आ गया मतलब एक पर्टिकुलर एज पे जैसे हम सबकी लाइफ होती है मेंटली स्टेबल नहीं थे आप एक्टिंग करना था डांसिंग भी किया मॉडलिंग भी किया इंजीनियरिंग भी किया सब कुछ कर लिया आपने एक्चुअली स्टार्ट से व्हेन आई Uh, मैंने भोपाल की में भोपाल की तरफ से एज अ क्रिकेटर आई हैव एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बेसिकली तो आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर इनिशियली एंड टेंथ बोर्ड के बाद फिर मॉम ने कहा कि नहीं यार क्रिकेट कुछ नहीं करना है इसे पढ़ाई करनी है तो मैंने कहा ओके okay, मॉम से पढ़ाई करता हूँ एंड द मोमेंट आई लेफ्ट क्रिकेट उसके बाद फिर मैं कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाया बट एटलीस्ट फॉर दिस थिंग आई सेट एंड आई हैड दिस आई क्रिएटेड मा माइंड के यार क्रिकेट मैंने क्विट किया था तो अब मैं एक्टिंग क्विट नहीं करूँगा मॉम वॉन्टेड टू लेट मी स्टडी सो आई स्टडी बट द थिंग आई एल गिव हर द रिजल्ट बट आई वोट क्विट एक्टिंग एंड एक्टिंग से पहले वॉज द फर्स्ट स्टेप मॉडलिंगलीम्स वर्क फॉर लैकमे आई हैर्क फॉर गार्नियर आई हैर्क फॉर रिमिन्स एंड मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड में भी बेस्ट मॉडल रह चुका हूँ मैं सो एंडली फिर आई स्टार्ट विंग थिएटर्स हबीब तनवीर सर के अंडर में भोपाल में थिएटर्स करता था एंड देन जस्ट कीम टू बॉम्बे तो ऐसा वो कौन सा मोमेंट था जब आपको ऐसा लगा कि अब करियर बनाना तो एक्टिंग में करियर बनाना है Uh, actually, what I think, basically, every model wants to be an actor at some point. So, like, I'm sorry, uh, but you think ke, uh acting, like, actor, you model, become a no. What I believe, acting is uh, you can act at the age of sixties also, and you can't be a model at the age of sixties. What I right. believe because modeling is a short term uh, career, and as an actor, you can act at any age. That's what I believe. But nowadays, you know. Uh, पीपल यहाँ के जो लोग होते हैं वो मॉडलिंग को एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं वेरी ट्रू। तो बिकम एन एक्टर लोग पहले मॉडलिंग

you have, should have that uh, confidence to uh, carry yourself. so it teaches you, it makes you grow, Okay, you up. this is the first step and this is the second step is acting. so how did you get your debut film or your debut character? what i uh, say, uh, believe uh, that uh, वॉट एवर अ पर्सन शुड डू नार्स फ्राम द हार्ट बेसिकली वट आई बिलीव के गिव एट हंड्रेड परसेंट वॉट एवर यू डूइंग बिकॉज एट अभी मैं अगर रात के तीन बजे भी जिम जाता हूँ तो मैं जिम जाना है बिकॉज आई नीड इट मेक्स मी हैप्पी ओके सो वट एवर आई डू आई डू इट हंड्रेड परसेंट अदाई डोंट डू इट और डू इट इफ यू आर डूइंग इट दैन डू इट विद फुल फुली हार्टिडली बेसिकली ओके सो वट मेड मी डू इज जस्ट लाइक आई हैव चूज इन द पाथ के यार कुछ भी हो जाए आई डोंट हैव बेसिकली गॉड फादर एंड विच आई माई पेरेंट्स इज जस्ट अर्मल मिडिल क्लास एंड माई मोम इज़ अ प्रोफेसर एंड इज अ रिटायर्ड आर टी ओ नाव सो दिंग इज आई बिलीव के यार कहीं ना कहीं आपके सपने सच होते हैं अगर आप अपने ऊपर यकीन रखो और ऊपर वाले पर यीन रखो

एक्टिंग तक yeah. इन बीच का स्ट्रगल लाइन क्या है आई नो वन कैन एबल टू अंडरस्टैंड आई हैव थ्रू बट इंजीनियरिंग में डिफरेंट स्ट्रगल बिकॉज आई वॉज इनिशियली फाइटिंग फॉर माई ड्रीम्स मम्मा से के मॉम प्लीज लेट मी डू मॉडलिंग लेट मी बी बिकॉज मॉम मुझसे कहती थी आई स्टिल रिमेंबर कि इसको तो नचैया बनना है और ये और वो मैंने कहा नहीं वो नहीं बनना है बट एक्टर बनना है बट मॉम बिकॉज माई मॉम इज वेरी एजुकेटेड लेडी एंड शी इज जस्ट लाइक अ प्रोफेसर एंड एच ओ डी ऑफ द होल यूनिवर्सिटी देहर इन भोपाल बोलका यूनिवर्सिटी में सो बट आई फील के कहीं ना कहीं मॉम इज राइट बिकॉज शी वॉन्ट्स बिकॉज शी आई थिंक नोज के दिस करियर इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग करियर एवरी वन इज़ नॉट सक्सेसफुल एज एन एक्टर एज एज अ मॉडल सो शी वॉन्टेड माई करियर टू बी सिक्योर तो एट हर पॉइंट ऑफ व्यू शी इज राइट बट आई डोंट वॉन्ट टू क्वेट बिकॉज दे आर मुझे आई इनिशियली आई डोंट नो वाई जब भी मैं किसी को देखता था तो आई फील या जो इनमें मेरे में क्यों नहीं हो सकता है अब ये यार इफ़ दिस गाय इज़ परफॉर्मिंग दैन वाई कॉन्ट आई परफॉर्म तो दैट हैज़ मोटिवेटेड मी बेसिकली तो इंजीनियरिंग के टाइम में डिफरेंट स्ट्रगल था टू बी एन एक्टर टू टू कम टू मुंबई बिकॉज आई एम आउटसाइडर राइट एंड यहाँ आने के बाद ऐसा मॉडल और ज़्यादा स्ट्रगल हुआ Uh, because there are a hell lot of competition, right? and they are very good-looking guys, and uh, i think i'm still an okay-looking guy. so uh, <laughs> that's that's a different competition that's different insecurity. and as an actor, uh, just like that's a different struggle, which i think as an actor, every, every actor feels this hamisha, basically. Mm -hmm. it's not about uh, giving a hit film or a flop film. it's just about giving a film. बेसिकली इट्स ऑन द ऑडियंस दैट द फिल्म इज गेटिंग हिट ऑफ लॉप इट्स जस्ट अबाउट कीप ड आई फील कि किसी भी एक्टर का स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं होता एज एन एक्टर वो हमेशा स्ट्रगल ही करता है एंड शायद उसकी सफ़र ही उसकी मंजिल बन जाती है जो मैं बिलीव करता हूँ सो so, आपकी जब पहली फिल्म आई थी जो है लेकर हम दीवाना दें हाँ जी आपकी मॉम आपके पेरेंट्स उनको देख मतलब वो फिल्म को देखने के बाद उनका क्या रिएक्शन था बेसिकली आई थिंक उन लोगों ने तो फिल्म भी नहीं देखी थी uh, मैंने उनको शायद डी वी डी पे सीन दिखाया था इन ऑल दैट वट आई बिलीव मुझे uh, लेकर एन दीवाना दिल में एज एज एन एक्टर रिकोगनाइज़ किया गया था बिकॉज ऑफ माई वॉट आई प्लेड एज ए कॉमिक कैरेक्टर थोड़ा सा ही था बट एज मनप्रीत सिंह बेदी आई गॉट मोर फेम एज एन एक्टर बिकॉज आई थिंक टी वी गॉट वेरी पावर एंड अगर बहुत ज़्यादा पावर टी वी में है तो घर घर में जाता है और अगर मैं एज एन एक्टर अपने आप को प्रूव करता हूँ तो एंड uh, अभी मैं अगर आई वेंट टू भोपाल ऑन ईद आफ्टर टू ईयर्स एंड आई गॉट लाइक बहुत लोग मुझे पहचानते हैं एंड आई फील ब्लेस्ड एंड मॉम इज़ लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ऑल दैट सो आई फील टी गिवन मी दैट रिकग्नीशन बट एज एज एन एक्टर ग्रोथ के लिए फिल्म आर द बेस्ट पार्ट

नॉट इन इंडिया अब्रॉड एंड आई मुझे बहुत सारे डी एम्स आते हैं मैसेजेस आते हैं फैंस के एंड एंड बेसिकली इट्स वेरी हिट इन पाकिस्तान तो आई फील गुड आई फील लिटिल वेरी शाई काइंड ऑफ गायन एवर एनी गर्ल अप्रोच एंड से आई वॉन्ट टू क्लेक् वेरी लाइक चुप हो जाता हूँ एंड ओके ओकेर तो आई फील गुड फ्राम इनसाइड बट या लिटल ऑकवुड तो ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट या फिर कोई ऑकवर्ड इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो आपके फैंस को लेकर फनी इंसिडेंट कुछ नहीं अभी रिसेंटली आई वॉज इन कोलाबा एंड डूइंग शॉपिंग एंड वन ऑफ द लेडी शी वॉज गोइंग विद हर हस्बैंड आई गेस वो बाइक पर थी उन्होंने मुझे देखा तो चिल्ला उठी और बाइक रुकवा दी जबरदस्ती <laughs> अपने हसबैंड से एंड शी केम टू मी मी आई रनिंग एंड आस्किंग आर यू दैट ओनली राइट राइट ऑन कैन मीनिंग एंडकिंग पिक्चर एंड देन पिक्चर के लिए उनके हस्बैंड का फोन नहीं चल रहा था फिर uh, uh, फिर आई आई क्लिक द पिक्चर एंड आई टोल्ड हर के आई विल सेंड योर डीएमआर फ्रॉम समवेयर सो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर सो ज़ुबैर के खान हर किसी आदमी का एक रोल मॉडल होता है <laughs> या एक्टिंग <acting> ले लो मॉडलिंग <laughs> ले लो या फिर कोई भी चीज ले लो तो आपका रोल मॉडल कौन है एज 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 अ पर्सन आई थिंक माई मोम बेसिकली माई मोम इज़ अ वेरी मतलब लाइक फाइटर बेसिकली बिकॉज शी हैजॉट मी के वेन एवर आप छोटे से बड़ा बनता है इंसान एंड यू हैव टू टेक अस्टेयर केयर वन टू वन माई मोम वॉज अ रीडर देन प्रोफेसर देन अ चोटी सो इट्स जस्ट लाइक ऑन एक दिन में तुम नहीं बन जाओगे इवन सनराइजेज स्लोली स्लोली सूरज भी धीरे धीरे होता है तो एज अ पर्सन माई मोम Uh, as an inspiration, because I what I believe, I don't want to copy anyone. I want to be uh, the first and last Zubair of the industry of the world. And inspiration, I always take Akshay sir and Shah Rukh sir because they both are outsiders and they have made a huge name from themselves. And as an actor. Uh, I, I like Ranbir Kapoor's work so much, and uh, I like Shahid Sar's work so much. He is the one who taught me acting. I think he didn't know uh, he was uh, in touch with me for like 10 days or something, and he is the only one who has given me the first step of acting. Okay, What's the basic that gives me uh, courage? Because he has shared himself like what has happened with him in Tal. इंडस्ट्री शाहरुख सर्वा अक्षय देर माई इंस्पिशन के एटलीस्ट मैं उनका टेन परसेंट भी कर दूँ तो काफी होगा ओके okay. हमने अभी अभी सुना कि आपने एक फोटो शूट करवाया है और आपकी एक फिल्म भी आ रही है तो इनके फैन सुन लीजिए इनकी और एक फिल्म आ रही है तो आप उस फिल्म के बारे में ये जो फोटोशूट करवाया उसके बारे में बता दीजिए हमें एक्चुअली व्हाट आई बिलीव एज अ फोटो शूट का तो मैं बोलूँगा बिकॉज मेरे जो पिक्चर्स थे बेसिकली आई आई एम वेरी फोटो गाय बेसिकली एंड एक्चुअली आई शुड से आई एम मेरी फोनोहॉलिक गाय या तो आई क्लिक सेल्फी इज अलॉट एंड आई डोंट वॉन्ट के आई एम क्लिकर एंड माई इन द दर इमेज माई फोन इज कमिंग एंड मैं एडिट करूँ और या मैं डालूँ तो द थिंग इज आई वॉन्टेड फ्रेश पिक्चर्स एंड एंड एक्टर शुड भी अपग्रेडेड